thank हेलो नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में और दोस्तों जिस लेक्चर का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था दोस्तों आज वो लेक्चर आ चुका है जी हाँ प्री हिस्टोरिक पीरियड प्राग ऐतिहासिक काल और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाषाण की आज हम दोस्तों पत्थरों को जानेंगे पत्थरों का इतिहास जानेंगे जानेंगे कि कैसे मानव ने इन पत्थरों का यूज करके औजार बनाए और दोस्तों ये अगर पत्थर ना होते तो दोस्तों आज हम जो है इतनी तकनीक विकसित ना कर पाते पत्थर ना होते तो वो हमारे आज से लाखों साल पहले के जो मानव थे दोस्तों वो अपने औजार किससे बनाते तो वो कहते हैं ना कि तुम्हारे नसीब में तो भाटे हैं है भाटे तो दोस्तों अगर ये भाटे ना होते ना तो दोस्तों भाटे नहीं होते तो हमारे वो जो पहले के जो लाखों साल पुराने मानव है दोस्तों वो अपना गुजारा कैसे करते सरवाइव कैसे करते है ना तो आज दोस्तों वक्त आ गया है इन्हीं पत्थरों से प्यार करने का इस प्रागैतिहासिक संस्कृति को इतना अच्छा समझाऊंगा दोस्तों इतना अच्छा समझाऊंगा कि जहन में बैठ जाएगी बातें देखिए दोस्तों चीजें सारी बुक्स के अंदर भी है है ना चीजें सारी बुक्स में भी है बहुत से लोग पढ़ाते भी हैं बहुत से पढ़ने वाले भी हैं लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा एक टीचर का उद्देश्य क्या होना चाहिए या फिर हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सरल भाषा में आप सभी तक चीज़ों को पहुंचा दिया जाए आप सभी के जहन में वो चीज़ें बिठा दी जाए और दोस्तों लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि 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 आज वाकई चीज़ें समझ में आने वाली है आज का लेक्चर देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि सर आप रोज लेक्चर क्यों नहीं लेते बिकॉज एक लेक्चर बनाने में दोस्तों बहुत वक्त लगता है हालांकि मेरे पास मेरे सारे नोट्स हैं लेकिन दोस्तों वो जो नोट्स हैं वो मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाए हैं आपको समझाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है देखिए दोस्तों पढ़ना और पढ़ाना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है पढ़कर टॉप करना मैंने पढ़ा और मैंने जे निकाल ली दोस्तों सरल है लेकिन तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारा जे निकालना दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगती है आज आपको दिखेगी मेरी मेहनत और अगर आज आप शिद्दत से इस क्लास को देखते हो फिर जिंदगी में कभी नहीं कहोगे कि प्राग काल जो है सर जी बहुत टफ लगता है बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा शुरुआत में थोड़ी चीजें याद करने वाली भी है देखिए दोस्तों चीजें समझने वाली भी है याद करने वाली भी है याद करने वाली चीज़ों को याद ही करना पड़ेगा और समझने वाली चीज़ों को अगर आप समझ जाओगे तो याद करने वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी चले दोस्तों तो ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे और शुरू करते हैं हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास प्राग ऐतिहासिक काल लेक्चर वन चलिए दोस्तों तो जैसा कि आप सभी को पता है हमने इससे पहले जो है जब हम टाइम पीरियड पढ़ रहे थे इतिहास का टाइम पीरियड वाली हमारी क्लास जो आपने देखी थी उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी लेकिन शुरू से ही शुरू करूंगा है ना कुछ भी जो है बीच में से नहीं लाऊंगा तो एक बार मोटा मोटा जान लो कि इतिहास को जो है तीन भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल में बांटा गया है जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में बांटा गया है जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और ऐतिहासिक काल में बांटा गया है ठीक है जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं ऐतिहासिक काल मानव जीवन मानव सभ्यता और संस्कृति का वह काल है, जिसके अंदर मानव ने किसी भी की लिपि का आविष्कार नहीं किया था, बनाता था। ठीक है, कोई की नहीं कर पाया था ठीक है, कोई हमें लिखित साक्ष्य जो है दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं मिलते है ना लिखित साक्ष्य हमें यहाँ से नहीं मिलते हैं ये जो टाइम पीरियड है ये मोटा मोटा पच्चीस लाख से तीन ईसा पूर्व है कहीं कहीं इसे अज्ञात से तीन ईसा पूर्व भी मान लिया जाता है ठीक है ये एक अनुमान है उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर मानव ने लिपि का आविष्कार कर लिया था ठीक है

वो तो किसका है वो तो हड़प्पा सभ्यता का है ठीक है ईसा पूर्व का ठीक है मोटा मोटा अगर हम देखें तो 2500 से लेकर जो 1700 तक का जो काल है मोटा मोटा तो वो हड़प्पा सभ्यता का का है उसके बाद में दोस्तों 1500 1500 से से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह वह किसका काल काल है वह है वैदिक इसमें भी पंद्रह से पंद्रह से एक ईसा पूर्व का जो काल है दोस्तों यह तो कौन सा है ऋग्वैदिक काल है उसके बाद में यह तो कौन सा काल हो गया ऋग्वैदिक काल उसके बाद में 1000 से एक हजार से छह सौ ईसा पूर्व का जो काल है ये कौन सा हो गया ये हो गया उत्तर वैदिक का छह सौ परिचित हो जाते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि यहाँ बहुत सारा कांसा मिला है नौ दोस्तों यहाँ पर कांसा मिला है एक मिश्रित धातु मिली है जिसको टिन और तांबे के मिश्रण से बनाया जाता है ठीक है उसके बाद में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से लेकर जो आगे तक का जो काल है जिसके हमें साक्ष्य भी मिलते हैं जिसके लिखित साक्ष्य भी हमें मिलते हैं जो पढ़ भी लिए गए हैं वह सभी जो है दोस्तों वह ऐतिहासिक काल के अंदर हम रखते हैं अगर हम देखते हैं तो द्वितीय नगरीकरण का काल का जो है महाजनपद काल वहां से लेकर आगे तक का जो इतिहास है वह है इस काल में रखा जाता है अब देखिए दोस्तों साधारण सी बात है प्रागैतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल यहां से हमें किसी प्रकार की लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं केवल और केवल पाषाण उपकरण हमें भौतिक साक्ष्य मिलते हैं पाषाणों के यहाँ लिपि मिलती है लेकिन पढ़ी नहीं गई है यहाँ पर लिपि भी मिलती है पढ़ भी ली गई है ठीक है दोस्तों ये एक सरल सी परिभाषा है चलिए और देखिए अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम इस काल की बात करने वाले हैं चलिए दोस्तों आ जाइए मेरे साथ और देखिए लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखना है हो सकता है शुरू शुरू में आपको मजा ना आए लेकिन दोस्तों पिक्चर की जब एंडिंग होगी तब आप भी खड़े होकर तालियां बजाएंगे ये मेरा वादा है चलिए आगे देखते हैं देखिए 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 दोस्तों अब देखिए यह है प्रागैतिहासिक काल इससे पहले हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा था अभी हम काल को तीन भागों में बांट रहे हैं अभी ये भागों में बाथा, बाथा, कैसे बाथा, क्या सोच के सब बताऊंगा। कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं सब बताऊंगा मध्य पाषाण काल लव पाषाण काल, काल, काल। पैलियोलिथिक एज मेजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज ये भी विभाजन किस आधार पर हुआ ये पाषाणों से बने उपकरण के आधार पर विभाजन हुआ दोस्तों यहाँ पर पूरा पाषाण काल में मोटे और भारी ठीक है और बेडोल प्रकार के जो है कुछ औजार बनते थे मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ बनने लगे छोटे छोटे उपकरण बनने लगे नौपाषाण काल में उपकरणों की जो शेप है वह सही होने लगी चिकने पत्थर के एकदम शानदार और सुडोल पत्थर बनने लगे ठीक है दोस्तों तो कहना का मतलब मेरा क्या है कहने का मतलब मेरा यही है कि पाषाणों के जो औजार हैं वह अपना रूप परिवर्तित करते गए इसी आधार पर दोस्तों इन्हें भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया ठीक है पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल नवपाषाण काल कुछ जलवायु परिवर्तन हुए दोस्तों ठीक है थोड़ा बहुत परिवर्तन होने की वजह से ही जो है अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है ताकि

उच्च या हम कह सकते हैं अपर पैलियोलिथिक एज उच्च पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा उसमें पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा ठीक है निम्न मध्य उच्च लोअर मिडिल एंड अपर समझ में आया अब देखिए इनका टाइम पीरियड हमने बताया था आपको लगभग 3000 ईसा पूर्व तक देखा था फिर तीन हजार से छह तक मैंने आपको बताया था हड़प्पा और वैदिक और फिर 600 से के बाद में जो है छठी शताब्दी का काल काल ऐतिहासिक ठीक है तो देखिए दोस्तों यहां पर जो है ये 25 से 10 जो से लेके एक लाख तक का जो काल है वो निम्न पूरा पाषाण काल में है मध्य पाषाण काल का जो है मध्य पूरा पाषाण काल जो है वह है एक लाख से लेकर चालीस हजार के बीच में है उच्च पूरा पाषाण काल जो है वह चालीस हजार ईसा पूर्व से दस हजार ईसा पूर्व है ठीक है अब एक बात ये भी सुन लीजिए अब देखिए सबसे ज्यादा जो कन्फ्यूजन विद्यार्थियों के ये होता है कि अलग अलग बुक्स आप पढ़ते हो तो आपको अलग अलग टाइम पीरियड देखने को मिलता है बिल्कुल मिलता है आपको क्या मुझे भी मिलता है आप भी पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं सबको ही मिलता है ना तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना ठीक है क्योंकि दोस्तों जैसे कि नवपाषाण काल की बात करें तो ये भी अलग अलग जगह अलग अलग समय में आया था ठीक है अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो लगभग एक हजार ईसा पूर्व तक साक्ष्य मिलते हैं ठीक है तो कहने का मतलब है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में था इस वजह से इसका टाइम पीरियड भी अलग अलग है ठीक है वैसे हम यूरोप के अंदर देखें फ्रांस के अंदर देखें तो वहां का टाइम पीरियड काफी प्रमाणित माना जाता है ठीक है लेकिन आप ये मोटा मोटा बस दिमाग में रख सकते हो हर जगह आपको कुछ ना कुछ अलग अलग मिलेगा हर टीचर आपको कुछ ना कुछ अलग अलग बताएगा वो अपनी जो बुक पढ़ता है उसके अकॉर्डिंग वो बताता है ठीक है लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि इसमें जो है दोस्तों ये अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में आया ये काल इस वजह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड अलग अलग देखने को मिलता है ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपसे कोई पूछेगा भी नहीं आपको बस ये चीजें याद रखनी है ओके ये कंफ्यूजन दूर हुआ चलिए तो देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल की बात करेंगे और पूरा काल अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज निम्न पाषाण काल जो है यही काफी बड़ा एरिया कवर करता है और दोस्तों समझाने के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट भी है इसलिए आज का जो समय है वो मैं इस पर दूंगा दोस्तों इसका नाम है इतिहास एकेडमी और एक एक चीज जो है इतिहास की आपके जहन में बिठा के रहूंगा ये मेरा ये निर्मल सिंह का वादा है। चलिए आइए देखते हैं। तो ये में आया। काल में आया। इसको तीन भागों में बांटा चलिए दोस्तों आइए हम बात करते हैं देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानिए आपने अभी सोचा होगा कि यार ये क्यों अलग अलग भागों में बांटा गया किसने बांटा कैसे बांटा तो देखिए दोस्तों इसको जानिए पहले देखिए 1776 के अंदर ये सिर्फ जानने के लिए है कभी-कभार एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाकी जानने के लिए है देखिए 1776 में पीएफ सुहम पीएफ सुहम जो है इसका पूरा नाम है पीटर फ्रेडरिक सुहम ने डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर मानव इतिहास को तीन भाग में बांटा जिसे क्या कहा गया जिसे थ्री एज सिस्टम कहा गया जिसे त्रिकाल कहा गया और ये तीन भाग कौन से थे पाषाण काल कांस्य काल और लौह काल और आगे चलकर दोस्तों इसी बात का जो अनुकरण किया समर्थन किया वो किया था थॉमसन था, ने आप बहुत सारी बुक्स में पढ़ेंगे कि थॉमसन ने जो है वह त्रिकाल अवधारणा दी थी लेकिन दोस्तों 18वीं शताब्दी में सुहम ने जो है 18वीं शताब्दी में सुहम ने त्रिकाल अवधारणा दी थी ठीक है और 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में थॉमसन ने भी इसी बात का क्या किया अनुसरण किया बहुत सारी बुक्स में आपको सुहम का नाम नहीं मिलता है आपको थॉमसन ही मिलता है ठीक है दोस्तों तो पहले अठारहवी शताब्दी में सुहम उसके बाद में

थॉमसन ने भी किया इसलिए बहुत सारी बुक्स में जो है उन्नीसवी शताब्दी के अंदर थॉमसन है ठीक है और उससे पहले जो है सुहम कर चुके थे त्रिकाल अवधारणा समझ में में आई आगे देखिए दोस्तों जान लुबाक ने पाषाण पाषाण काल 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 को पूरा एवं काल में विभाजित ये विभाजित है ठीक है विभाजित किया जॉन लुब्बाक अब पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल ये जो नाम देने वाले हैं ये कौन थे दोस्तों जॉन लुब्बाक थे ठीक है सर्वप्रथम इन्होंने जो है इन शब्दों का यूज किया था उसके बाद में पाषाण काल उसके बाद में पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण मध्य पाषाण और नव पाषाण में किया गया तो दोस्तों इस प्रकार से धीरे धीरे ऐसा नहीं कि एक ही दिन में जो है इस प्रकार से जिस प्रकार से धीरे धीरे साक्ष्य मिलते गए उसी आधार पर जो है इनका विभाजन किया जाने लगा ठीक है तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये पूरा पाषाण नव पाषाण शब्दों का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम जॉन लुब्बाक ने किया था और दोस्तों उसके बाद में जैसे जैसे हमें और उपकरण मिलते गए और साक्ष्य मिलते गए जो पाषाण काल को फिर हमने पूरा पाषाण मध्य पाषाण और नव पाषाण में परिवर्तित कर दिया आज हम बात करने वाले हैं पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा निम्न पूरा पाषाण काल मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल तो दोस्तों उन्नीस में एडवर्ड लाटेट

पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांट दिया किसने दोस्तों तो दोस्तों ये है एडोट लॉटेड अब इन्हीं तीन भागों के बारे में हम जानेंगे ठीक है ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों जानने के लिए ताकि आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब ये क्या है तो आप बता सको किसने तो ये नामकरण किया किसने बांटा और कैसे कैसे घटनाएं आगे बढ़ी कैसे कैसे विभाजन हुआ चलिए आ जाइए समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से आ जाइए बात करते हैं प्रागैतिहासिक संस्कृतियां पाषाण काल की तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है तो प्रागैतिहासिक से तात्पर्य मानव सभ्यता के उस काल से है जिसमें मनुष्य ने लिपि अथवा लेखना लेखन लेखन कला का विकास नहीं किया था ठीक है थोड़ा सा ये एरर आ रहा है टाइपिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ में आ रहा है जिसमें मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था समझ में आ गया प्रागैतिहासिक काल बता चुका हूं पहले भी बता चुका हूं जब हमने टाइमलाइन वाली वीडियो पढ़ी तब भी बता चुका हूं दोस्तों देख लेना उसको किस काल में मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था ठीक है दोस्तों पत्थरों से बने हुए औजारों का वो यूज करता था पैबुल पत्थरों का यूज करता था बताऊंगा एक एक चीज कैसे सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये रखिए अभी कि इस काल में मनुष्य पाषाण उपकरणों पर निर्भर था पाषाण उपकरणों से ही चीरने फाड़ने का काम करता था पाषाण उपकरणों से ही दोस्तों काटने का काम करता था शिकार भी करता था सारे जो काम है वह पाषाण से ही करता था ठीक है इस काल के इतिहास की जानकारी पूर्णतः उत्खनन से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है बिल्कुल दोस्तों अभी हम रॉबर्स ब्रूसफुट बु, की बात करेंगे जिन्होंने उत्खनन किया और उन्हें जो है प्राप्त हुआ पलवरम नामक स्थान से अभी हम बात करेंगे तो दोस्तों प्रागि काल के बारे में समझ में आया सामान्य परिभाषा कोई लिपि नहीं मिली केवल और केवल पाषाण के ऊपर निर्भर था मनुष्य का जीवन चलिए अब आगे बात करते हैं मजा आ रहा होगा देखिए दोस्तों सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल के अंदर दोस्तों सबसे पहले साक्ष्य किसे मिले तो सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस ब्रूसफूट रॉबर्ट ब्रूसफूट ने भारत में पूरा पाषाण कालीन अध्ययन आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है यानी कि रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूसफूट को जो है भारत में पूरा पाषाण काल के अध्ययन का श्रेय दिया जाता है क्योंकि दोस्तों एटीन में मद्रास के समीप पलवरम ठीक है तमिलनाडु के अंदर है जगह पलवरम नामक स्थान से पूरा कालीन हस्त कुठार खोजा गया हस्त, हस्त कुल्हाड़ी जिसको हम बोल सकते हैं ठीक है मद्रास से मद्रास से ठीक है याद रखना मद्रास से 1863 ईस्वी में पलवरम नामक स्थान से पूरा कालीन हस्त कुठार खोजा गया सबसे पहले ठीक है इसीलिए दोस्तों इसीलिए दोस्तों ये जो नाम है रॉबर्ट ब्रूसफूट इस नाम को दोस्तों इन्हें क्या कह दिया जाता है इन्हें कह दिया जाता है प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास के पिता द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री ठीक है याद रखना चलिए इन्हें जो है एक बजरी के ढेर पर इन्हें जो है एक बजरी के ढेर पर कुछ ऐसा हस्त कुठार सा दिखाई दिया और जब इन्होंने उसे हटा के देखा तो दोस्तों नीचे जो है एक हैंडक्स इन्हें जो है बजरी के ढेर से मिलता है ठीक है सबसे पहले इन्हें मिला था कहां पर दोस्तों पलवरम नामक जग, जगह पर यह मद्रास के समीप है ये जगह ठीक है दोस्तों चलिए अभी हस्त कुठार क्या होता है इसकी भी मैं आपको बताऊंगा हस्त कुठार क्या होता है दोस्तों एक पाषाण से से निर्मित है ना एक एक पत्थर से बना हुआ हथोड़े जैसा होता है लेकिन देखिए दोस्तों इसमें कोई हत्ती वगैरह नहीं होती इस पर नाशपति जैसा होता है अंडाकार अभी इसकी फोटो भी है आगे, आगे। आप एक बार देख लो अभी फोटो दिखा दूंगा आपको ठीक है अंडाकार होता है नाशपति के समान होता है इसका आकार दोस्तों ठीक है और ये जो है हैंडक्स कहा जाता था चलिए नेक्स्ट देखेंगे 1873 में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा खोजे गए उपकरणों को वियना में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में पेश किया गया और रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन प्री आर्कियोलॉजी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है क्योंकि देखिए दोस्तों भारत में भारत में भारत में, भारत में कालीन अध्ययन की शुरुआत करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है और भारत में 1863 के अंदर सबसे पहला जो हस्तकुठार था दोस्तों कालीन मद्रास के समीम पलवरम नामक जगह से इन्होंने ही खोजा था इसी वजह से ये कह क्या कहलाते हैं भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के पिता कहलाते हैं आया समझ में चलिए कुछ बातें जान लीजिए याद रखने योग्य बातें थोड़ी सी बातें रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में जान लीजिए दोस्तों देखिए इनकी एक बुक है जिनका नाम है प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटोहिस्टोरिक एंटीक्टीज ऑफ इंडिया की रचना रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी याद रखना दोस्तों रॉबर्ट ने उत्तर पाषाणकालीन उपकरणों को सेवनटी एट वर्गो में क्वेश्चन पूछा जा चुका है याद रखना में विभाजित किया है और 1912 में कलकत्ता में उनकी मृत्यु हुई और उनकी समाधि कहाँ पर है दोस्तों होली ट्रिनिटी चर्च आरकार्ड तमिलनाडु यहाँ पर जो है इनकी समाधि बनी हुई है ठीक है हम बात कर रहे थे दोस्तों किसकी हम बात कर रहे थे पूरा पाषाण काल की पूरा पाषाण काल को हमने अच्छे समझा तीन भागों में बांटा गया है उसको दोस्तों ठीक है सबसे पहले पूरा कालीन स्थल की खोज पूरा कालीन साक्ष्य कहा से मिला था बताया मैंने आपको किसे मिला था बताया उसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनकी बुक की जानकारी है उपकरणों को कितने वर्गों में बांटा ये बताया गया ठीक है चलिए आगे देखते हैं और कुछ आगे देखते हैं निम्न पुरा पाषाण काल अब देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल को बांटा तीन अलग अलग भागों में आराम से समझिए इतमान से समझिए मजा आने वाला है बहुत ज्यादा पूरा पाषाण काल को भागा बांटा तीन अलग अलग भागों में है ना जिसके अंदर एक था निम्न पूरा पाषाण काल लोअर पैलियोलिथिक एज फिर दूसरा था मध्य और तीसरा था उच्च पूरा पाषाण काल जिसमें सबसे पहले की हम बात कर रहे हैं निम्न पूरा काल की हम बात कर लोअर पैलियोलिथिक एज की तो देखिए दोस्तों लोअर पैलियोलिथिक एज जो है उपकरणों के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है अब समझने की बात आई है शुरू दोस्तों यहां से समझना अब कड़ी शुरू हो चुकी है फिल्म का जो शुरुआत का जो ट्रेलर था खत्म है दोस्तों एंट्री हो चुकी है ठीक है नंबर एक है चापर या पैबुल संस्कृति और नंबर दो है एशियोलियन संस्कृति बिल्कुल चिंता मत करो दोस्तों अभी ऐसा समझ में आएगा कि जिंदगी में भूलोगे नहीं देखो बस मन लगा के बैठो है ना अच्छे से बैठो और मुझे सुनो देखिए निम्न पुरापाषाण काल को भी दो भागों में बांट दिया औजारों के आधार पर है ना पुरापाण काल में नंबर वन पर क्या था निम्न काल समझ में आया इसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं जिसमें एक तो है चापर चोपिंग या पैबुल संस्कृति और एक है एश्वीलियन संस्कृति ये क्यों ऐसा क्यों बोला गया है अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये एश्वलियन क्या है ये ऐशुलियन संस्कृति क्या है या ये पैबुल संस्कृति क्या है तो दोस्तों सुनिए औजार बनाने की अलग अलग तकनीक थी औजारों का निर्माण करने की अलग अलग टेक्निक्स थी उन्हीं तकनीक के आधार पर दोस्तों ये नामकरण किया गया है फॉर एग्जाम्पल मद्रास के अंदर पलवरम में जो हमें हस्तकुटार मिला है वह किस तकनीक से बना वो बना दोस्तों एशूलियन तकनीक से इसलिए क्या नाम रख दिया एश्यूलियन संस्कृति मद्रास से जो हमें हस्त कुठार मिला है या फिर मद्रास से जो हमें पूरा पाषाण पाषाण कालीन कालीन निम्न काली, जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों जो एविडेंस मिले हैं पत्थर के बने हुए वो सारे के सारे किस तरीके से बने गए हैं वो सारे के सारे ऐशुल बने हुए हैं एशुअलियन टाइप अब आप बोलोगे सर एशोलियन संस्कृति क्या है तो दोस्तों सुनिए फ्रांस के अंदर जो है एक जगह है जिसका नाम है सेंट एश्यूली फ्रांस के अंदर एक जगह है सेंट ऐशुली वहां पर जिस प्रकार के जो है औजार बनते थे उसी के नामकरण पर इस संस्कृति का नाम रख दिया एशुलियन संस्कृति एशुली में औजार बनते थे वैसे ही क्या रख दिया एशुलियन संस्कृति जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता की हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो हड़प्पा के अंदर हमें सबसे पहले मिले तो हमने हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया वैसे ही ऐसा जो हस्त कुठार है ऐसा जो अंडाकार नाशपति के समान हस्त कुठार है ये हमको कहां से मिला था फ्रांस के अंदर एक जगह है सेंट एशुली एशुली से मिला इसलिए नाम पड़ गया एशुलियन कल्चर और एशुलियन कल्चर के ही जो है साक्ष्य हमें कहा मिलते हैं मद्रास के अंदर हस्त कुठार ठीक है और पैबुल संस्कृति या चैपर चौपिंग संस्कृति क्या होती है दोस्तों तो ये पैबुल संस्कृति पत्थर होता है जो कि नदी के किनारे जो कि सॉफ्ट स्टोन होता है नदी के किनारे दोस्तों बहकर जो पत्थर आते हैं गोल गोल हो जाते हैं उसको हम पैबुल कहते हैं उसी पैबुल को काट कर जो हथियार बनाए जाते हैं औजार बनाए जाते हैं उसको चापर या चौपिंग कहते हैं चापर दोस्तों वो होता है जिसके एक तरफ धार होती है जैसे फॉर एक्जाम्पल इस प्रकार के पत्थर नदियों किनारे होते हैं अभी मैं दिखाऊंगा सब कुछ इस प्रकार के पत्थर गोल गोल पत्थर नदियों किनारे होते हैं अगर दोस्तों इसको एक तरफ से काट दिया जाए यानी कि ऐसा कर दिया जाए ठीक है धार बना दी जाए एक तरफ से धार यहां पर धार बना दी जाए तो ये तो क्या हो गया चॉपर हो गया दोस्तों इसको दोनों तरफ से छिल दिया जाए यानी कि इसको इस प्रकार से यहां से भी काट दिया जाए यहां से भी काट दिया जाए ठीक है तो ये कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा इस प्रकार का रुकी तो ये कैसा हो जाएगा इसको समझिए ये कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसा इस प्रकार का इसके यहां पर भी धार है ठीक है और इसके यहां पर भी धार है

आगे देखो आप यह है पाषाण उपकरणों के क्रमिक चरण दोस्तों अलग अलग जगहों पर जो है पाषाण उपकरण अलग अलग तकनीक से बनाए जाते थे अलग अलग काल में, अलग अलग कालक्रम में तकनीक से पाषाण के उपकरण बनते थे उनका क्रम है ये। जैसे कि ओल्डोवान है एबी वैली है ऐशुली देखिए दोस्तों ये रहा है जो भारत के अंदर भी इस संस्कृति के हमें क्या मिले हैं साक्ष्य मिलते हैं उसके बाद में क्लेक्टोनियन है लेवालवाई है उसके बाद माइक्रो क्यून है ठीक है उसके बाद में मोस्तारी है देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है इसमें आपको इनका क्रम याद रखना है पहले कौन उसके बाद कौन फिर कौन फिर कौन फिर बिकॉज दोस्तों एक बार एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जा चुका है एग्जाम में इनका क्रम पूछा जा चुका है मुझे याद नहीं आ रहा किस परीक्षा में पूछा गया था लेकिन एग्जाम में इनका क्रम जो है पूछा जा चुका है और अगर एक बार पूछा जा चुका है दोस्तों तो दोबारा पूछा जाने के चांसेस हैं आप सिर्फ इसको हल्के से इसको समझिए देखिए दोस्तों ये क्या है ओल्डो वन है इस ओल्डो वन को और क्या कह देते हैं इसको मोड वन भी कह देते हैं ठीक है इसको क्या कह देते हैं

बेडोल और भारी भरकम भारी भरकम हथियार बनते थे पत्थरों के ठीक है ऐशोली की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले एक जगह है फ्रांस में फ्रांस के अंदर एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है सेंट ऐशोली क्या नाम है सेंट ऐशोली करके एक जगह है इस सेंट ऐशोली के नाम पर ही इस कल्चर का नाम क्या पड़ा या एशुली ऐशोलियन कल्चर और इसी के ही औजार जो है भारत में कहाँ मिलते हैं भारत में इसी कल्चर के औजार जो है भारत में मद्रास से मिले हैं मद्रास से मिले मद्रास में पलवरम उसके बाद में अतिरम पक्कम हम दोनों जगह की बात करेंगे और दोस्तों ये जो औजार बनाए थे ये ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस जो है वो इन औजारों का यूज करता था ठीक है होमो इरेक्टस जो है दोस्तों वो इन औजारों का यूज करता था इसके बाद में कलेक्टोनियन है ये भी एक प्रकार से जो है दोस्तों औजार बनाने की तकनीक है इसके बाद में लिवोलवाई है ये भी एक टेक्निक है यानी कि आप ये पेरिस के अंदर एक जगह है ठीक है पेरिस में एक जगह है दोस्तों वाई से इस प्रकार के औजार मिले हैं। इसी वजह से दोस्तों इस संस्कृति को क्या नाम दे दिया गया वाई ठीक है दोस्तों और भारत में भी इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं क्या बिल्कुल दोस्तों मिले हैं आप जाइए सोहन घाटी के अंदर जाइए आप पाकिस्तान पाकिस्तान की जो सोहन घाटी है ठीक है सोहन घाटी से इस प्रकार के कुछ सोहन नदी घाटी जो वहां से इस प्रकार के कुछ हमें जो है औजार मिलते हैं ये ये क्या है ये क्या है लेवल वाई यानी कि इस प्रकार के औजारों के अंदर क्या होता है दोस्तों जो हम फलक उतार कर जो छील कर जो एक प्रकार से घसकर जो हम बनाते हैं हथियार उन्हीं को क्या कह देते हैं दोस्तों लेवल वाई टेक्निक कह देते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा माइकोक्यून है ठीक है बहुत ज्यादा हो जाएगा ज्यादा दिमाग मतलब इसके अलावा देखिए मोस्तारी है मोस्तारी जो है दोस्तों ये नियंडर सलमानों के बारे में सुना ना आपने बिल्कुल सुना है क्या सुना है क्या सुना, सुना तो शवों को दफनाना भी उसने कर दिया था दोस्तों? तो ये सारी बातें मैंने सुनाई है ना आपको पिछला लेक्चर देख लेना नहीं सुनी तो, तो नियंत्रथ मानव जो औजार बनाता था दोस्तों वो इस टेक्निक से बनाता था मोस्तारी टेक्निक से तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है दोस्तों अलग अलग समय में जो है अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के औजार बनाए गए एक अलग अलग क्रमागत क्रमानुसार पाषाण उपकरणों का क्रमिक चरण यानी कि पहले इस प्रकार के औजार बनते थे फिर उसके बाद में ऐसे बनने बनने लगे लगे उसके बाद में ऐसे ऐसे और जो है भारत में मिले एशुलिन कल्चर फ्रांस के अंदर जगह एशुअली इसी नाम पर कल्चर पड़ा इस प्रकार के जो भारत में औजार मिले उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा यार बहुत प्यार से और बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी आ गया होगा इतने में तो सबको समझ में आ जाता है ठीक है चलिए उसके बाद में दोस्तों तो जो मोस्तारी है मोस्तारी प्रकार के जो उपकरण बनाता था दोस्तों वह बनाता था नियंडरथल तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो भारत के अंदर जो एशुलियन संस्कृति के जो प्रमाण मिले वह कहा से मिले वह हमें दोस्तों मिलते हैं भारत के मद्रास से पलवरम नामक जगह से और अतिरम पक्कम नामक जगह से लेवल वाई प्रकार के जो मिले हैं ये सोन घाटी से मिले हैं और एशुली टेक्निक जो है दोस्तों इसको मोड सेकेंड भी कह देते हैं इसको क्या कह देते हैं इसको मोड टू भी कह देते हैं याद रखना ठीक है मोड टू इसको मोड वन कह देते हैं तो ये एक प्रकार से क्या है संस्कृतियां है पाषाण संस्कृतियों का क्रमिक क्या है चरण है और एक चीज और आपको जाननी जरूरी है दोस्तों वो एक चीज क्या है वो एक चीज क्या है वो है दोस्तों ये विश्लेषण माइक्रोवियर विश्लेषण ठीक है ये क्या होता है दोस्तों हमें कैसे पता चले कि कौन सा जो औजार है वो किस काम आता था पत्थर से बनाया हुआ कौन सा औजार किस काम आता था तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको कहते हैं माइक्रोवियर टेक्निक विश्लेषण देखिए दोस्तों पत्थरों पर जाने वाले निशानों का गया होगा। इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सा औजार किस काम में लिया जाता था ठीक है किस औजार का उपयोग पेड़ काटने में तथा किसका उपयोग मांस काटने में किया जाता था दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना एग्जाम में आ जाएगा ठीक है अभी तक तो मैंने एग्जाम दिए मेरे सामने तो नहीं आया लेकिन दोस्तों आ, आपके सामने आ सकता है याद रखना ठीक है तो अब समझ में आ गया ना कि क्या तो इसकी यानी कि इसकी बात करेंगे चौपर चौपिंग की बात करेंगे फिर हम बात करेंगे एश्वीलियन की चॉपर चौपिंग या पैबुल संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल के अंदर ही हमने इसको पढ़ा है अब देखते हैं क्या होती है आइए दोस्तों बात करते हैं चलिए देखिए 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 दोस्तों ये है पत्थर अक्सर आपने देखा होगा नदियों के किनारे ठीक है या फिर जहां पर पानी का बहाव रहता है वहां पर जो दोस्तों पत्थर होते हैं वहां पर जो पत्थर होते हैं चाहे वो किसी भी प्रकार के वो बेडंगे हो ठीक है लेकिन वो बहकर पानी के साथ जब बहकर आते हैं तो अंत में दोस्तों उनकी जो शेप होती है वो इस प्रकार की कुछ हो जाती है जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ठीक है ये क्या है ये है पैबुल मानव जो है वह भी नदियों के किनारे आसपास रहता था हमने हमारी सभ्यताएं पढ़ी है दोस्तों हमारी सभ्यताएं भी किसी ना किसी नदी के किनारे बसी थी हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे मोहन जोदौड़ की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे ठीक है अलग अलग नदियों के बिकॉज दोस्तों जल है तो जीवन है पानी ही है और पानी की आवश्यकता सबको होती थी तो उसी नदियों के किनारे इन नदियों के आसपास जिस प्रकार के पत्थर पाए जाते थे वो होते थे ऐसे पैबुल प्रकार के पत्थर एक बार इसको देखो आप ठीक है इधर मत देखो पाप लगेगा नहीं तो <laughs> देखिए दोस्तों ये कितने सुंदर पत्थर है दिखने में ना अक्सर आप कभी घूमने जाते हो कभी कपल्स घूमने जाते हैं तो लड़कियां अक्सर बोल देती है ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोन प्लीज मुझे लाके दो ना फिर उसके बाद में दोस्तों उनका जो पार्टनर है बेचारा कीचड़ में कादे में पांव रखता है फिर लेके आता है फिर लड़कियां उसको पर्स में घाल के जो है घर ले आती है फिर वो वैसे ही पड़ा रहता है ना तो हमने लाके क्या दिया हमने लाके दिया भाटा और दोस्तों भाटे से ही जो है वो खुश हो जाती है ना तो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है खुश करने के लिए छोटी मोटी चीजें काफी है दोस्तों मजा कर रहा हूँ कहने का मतलब यह है कि ये इस प्रकार के पत्थर नदियों द्वारा बहाकर लाए जाते हैं ठीक है नदियों द्वारा बहाकर लाए जाते हैं इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं हम इन्हें भी कहते आपने इनका नाम नाम सुना होगा एक नाम मैं आपको बता दूं थोड़ा सा पानी कम कर दूं ये पानी ज्यादा फैल चुका है, है यहां पर ठीक है दोस्तों आपने आप इन्हें क्या कह सकते हैं आप इन्हें क्या कह सकते हो दोस्तों आप इन्हें कह सकते हो काश्म. ठीक है तो इस प्रकार के पत्थर पानी के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं फिर इन्हीं पत्थरों का यूज करता है मानव औजार बनाने में अब देखिए दोस्तों ये पत्थर कैसे हैं ये पत्थर आप बोल सकते हो अंडाकार है गुरु जी और या फिर नाशपति के समान के ठीक है अब इन पत्थरों पर व्यक्ति क्या करेगा अब इन पत्थरों पर व्यक्ति क्या करेगा तोड़ेगा आघात तकनीक आघात तकनीक हिट करेगा तोड़ेगा तोड़कर जो है इनके क्या बनाएगा धार बनाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं ये पहले जो है पूरा ऐसा था मान लीजिए

और वैसे ही पूरा पत्थर है ठीक है इसके दोनों तरफ वह धार बनाएगा ठीक है दोनों तरफ धार बनाएगा तो दोस्तों इतना इतना हिस्सा वो वो जो है वो क्या कर देगा इसको अलग कर देगा ठीक है धार बना के और फिर बाद में कैसा बन जाएगा ये कैसा बन जाएगा ये बन जाएगा ऐसा इसके दोनों तरफ धार हो जाएगी इसके क्या है दोनों तरफ धार बन जाएगी इसको क्या कहेंगे दोस्तों चॉपिंग चॉपिंग चापर चॉपिंग ठीक है उसके बाद में ये जो एरिया है दोस्तों ये कोर एरिया है कोर एरिया यहां पर जो है व्यक्ति इसको पकड़ के रखता है जैसे कि आप ये मुठ्ठी देख रहे हैं ये हाथ आपको क्या पता धुंधला दिख रहा हो मुझे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये 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 हाथ है और ये है 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 और पत्थर ठीक ठीक है? फिंगर्स हैं आपको दिख रही होगी तो ये ऐसे पकड़ रखा है इसको उसके बाद में इससे खोदने का काटने का चीरने फाड़ने का काम जो है व्यक्ति करता था अब आप सोचोगे कि सर व्यक्ति को पता कैसे चला कि भाई धार भी लगानी चाहिए है ना धार भी लगानी चाहिए तो थोड़ा सा समझे देखिए व्यक्ति ने कॉन्सेप्ट व्यक्ति देखिए दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं देखिए लगाना कैसे सीख गया मानव ये सब कुछ देखिए तो धीरे धीरे अनुभव से ही 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 आता आता है है एक्सपीरियंस से मैंने ऐसे ही नहीं बोला कि पूरा पाषाण काल के अंदर मानव ने अपना 99 जीवन व्यतीत किया है निन्यानवे परसेंट जीवन जो है पूरा पाषाण काल में चला गया ऐतिहासिक काल की बात करें तो बुक्स में आता है कि जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट ऐतिहासिक काल में है बाकी का जो बचा वो मध्य पाषाण और नौपाषाण काल में है है ना तो दोस्तों मानव ने पूरा जीवन इसी में निकाल दिया इसी इसी के अंदर देखिए दोस्तों सॉरी जो पूरा जो निन्यानवे परसेंट तो है वो इसके अंदर आता है और दोस्तों पॉइंट जीरो जीरो का मतलब है दोस्तों मानव ने जो है पूरा जीवन इसी काल में निकाल दिया चाहे वो कृषि करना हो चाहे वो आवास बनाकर रहना हो चाहे वो पत्थरों के औजार बनाना हो चाहे वो अग्नि का आविष्कार हो चाहे वो पशुपालन हो चाहे वो खेती हो सब कुछ सब कुछ इसमें निकाल दिया तो निन्यानवे परसेंट जीवन दोस्तों मानव ने यहाँ पर व्यतीत किया है धार लगाने की टेक्निक कैसे आयोगी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए नदी के किनारे से जो पैबुल आते थे जो पत्थर आते थे पैबुल वो इस प्रकार के होते थे अब इस प्रकार का पत्थर अगर हम किसी के मारेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई भी जीव है है ना या मान लो कोई भी जो है आप मान के चलिए कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी जानवर है ठीक है पर ये मुस्कुरा रहा है फिलहाल तो ठीक है अगर आप इसके हिट करते हो तो ऐसा इसके लगेगी जरूर लेकिन दोस्तों इससे शिकार नहीं हो पाएगा ना ही ये इससे ज्यादा क्या होगा जख्मी होगा ठीक है ना ही ये क्या होगा ज्यादा जख्मी होगा लेकिन अगर दोस्तों ये पत्थर इसके लगा लगने के बाद में मान लीजिए पत्थर नीचे जाकर टूट गया दो भागों में टूट गया भागों में टूट गया तो इसके दो अलग अलग भाग बन गए एक ऐसा बन गया और दूसरा ऐसा बन गया अब फिर भागते भागते इसी इसी भाग को उठा के एक और इसके दे मारा तब यहां पर तिखे तिखे नुकीले तीकी 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 नोक बन चुके हैं अब दोस्तों ये जब इसके लगेंगे तो इससे दर्द होगा कि नहीं होगा और इससे खून आएगा कि नहीं आएगा इससे चोटिल होगा कि नहीं होगा होगा ना तो ऐसे धीरे धीरे उन्हें पता चलने लगा कि ऐसा कुछ करने से इन पर आघात पहुंचाकर इन पर धार देने से जो है क्या होता है ज्यादा असरकारक होता है ठीक है तो धीरे धीरे जो है इस प्रकार से टेक्निक जो है विकसित होने लगी तो इस प्रकार से पैबुल थे जो नदियों किनारे बहकर आते थे इन्हीं का जो है वो यूज करते थे इन पर आघात टेक्निक से मारते थे मार्कर जो है दोस्तों क्या करते थे मार्कर जो इस प्रकार के एक धारी और द्विधारी हथियार बना लेते थे

यानी कि जो मानव जो है वो है कोर का प्रयोग करता था कोर का ठीक है और ये जो टूट के अलग होता था ये फलक हो जाता था समझ में आया ना तो इसको आराम से समझना एक दो बार लेक्चर को देखोगे समझ में आ जाएगा चलिए दोस्तों तो चापर चैपिंग या पैबुल संस्कृति क्यों कहते हैं बिकॉज ये पत्थर होते हैं इनको पैबुल कहते हैं दोस्तों ठीक है और बट्टीकाशम भी कह देते हैं और इन्हीं के यूज से इन्हीं के प्रयोग से दोस्तों इस प्रकार के औजार बनाए जाते थे अभी आगे थ्योरी है समझेंगे चलिए आ जाइए ये हमने देख लिया आगे देखिए चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था पेबुल वही गोल गोल अंडाकार शेप स्वीट स्टोन है ना प्यारा सा पत्थर चलिए तो इसके ऊपर इसके ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई जाती थी यानी कि एक साइड धार बनाया जाता था इसके अलावा चॉपिंग चॉपिंग याद रखिए भाई दो मात्राएं हैं तो दोनों तरफ दो मात्राएं हैं तो दोनों तरफ धार है ना ऐसे कंफ्यूज मत होना चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते थे अर्थात इसमें पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीर कर धार बनाई जाती थी ठीक है दोनों तरफ धार बनाई जाती थी ठीक है चॉपर चॉपिंग शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था

यानी कि इस प्रकार पैबुल पत्थर से बनाए गए जो औजार है वो सबसे पहले हमको पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है वहाँ जो सोहन नदी घाटी है यानी कि सिंधु की ही एक छोटी सहायक नदी है सोहन घाटी जो है दोस्तों सोहन नदी घाटी है यहाँ से हमें कुछ औजार मिलते हैं दोस्तों वो जो है वो चौपर चौपिंग उपकरण

में के यू आर टॉड ने सोहन घाटी के पिंडी ये पिंडी घेब घेब ये है ठीक है पिंडी घेब स्थल का उत्खनन किया था ठीक है तो उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे क्या होने लगा उत्खनन होने लगा और लोगों को पता चलने लगा देखिए दोस्तों इस लेक्चर में समझने वाली बात क्या थी चॉपर चॉपिंग क्या होता है ऐश्यूली क्या होती है किस प्रकार के उपकरण बनते थे ये समझने की बात थी अब यहाँ पर कुछ जगह ही आएगी जहां से हमें इस प्रकार के उपकरण मिले हैं जैसे हम मद्रास में हम देख रहे हैं पलवरम देख रहे हैं हम अतिरम पक्कम देख रहे हैं ऊपर सोहन घाटी में देख रहे हैं ठीक है महाराष्ट्र में हम देखेंगे दोस्तों चिराका है नेवासा है ठीक है और बोरी नामक जगह है ठीक है वो देखेंगे तो दोस्तों ये जो सारी जगह है ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी कि कहाँ से कौन कौन से उपकरण मिले हैं बाकी जो समझने वाली चीज थी वो मैं आपको समझाता चल रहा हूँ ये जगहें आपको याद करनी पड़ेगी इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण जो जगहें हैं वो सारी मैं लेक्चर में लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट जगह सारी लेकर आया हूँ बाकी आप बुक्स भी पढ़ रहे हैं है ना बुक को भी साथ साथ पढ़ते जाइएगा बुक के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं वो भी आप दिमाग में रखते जाइएगा बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे इसके अंदर है बुक के अंदर जो चीजें हैं दोस्तों वो भी आप दिमाग में याद रख के रखना क्योंकि देखिए पूरी की पूरी बुक तो यहाँ लाई नहीं जा सकती यहां तो केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई जा सकती है बुक्स को भी साथ साथ पढ़ते रहना चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 1935 साक्ष्य प्राप्त किए ये साक्ष्य थे दोस्तों कश्मीर घाटी से लेकर पाकिस्तान स्थित सॉल्ट रेंज तक के जो है दोस्तों साक्ष्य किसने डी टेरा और टी पीटरसन टी टी पीटरसन ने इन्होंने एक विस्तृत लेवल पर जो हम कह सकते हैं दोस्तों सर्वेक्षण करवाया और सर्वेक्षण करा के जो है दोस्तों इस संस्कृति के कुछ उपकरण प्राप्त किए ठीक है एच डी सांकलिया ने सोहन घाटी में मानव आवास साक्ष्य एवं हस्त कुठार प्राप्त किए थे और सोहन संस्कृति के कुल पांच वेदिकाएं यहां से कुल पांच वेदिकाएं पाई गई है कुल पांच जो है दोस्तों टेरिस कह सकते हैं हम ठीक है कुछ कुल पांच जो है वेदिकाएं पाई गई है यहाँ पर पांच वेदिकाओं का मतलब है पांच अलग अलग स्तर हमें मिले हैं जिन पर जो है दोस्तों अलग अलग प्रकार के हमें औजार देखने को मिलते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है फिर भी अगर देखना चाहो तो बुक्स में वो दिए गए हैं बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना जरूरी है भाई सोहन संस्कृति से कितने वेदिकाएं हमें प्राप्त होती है तो कुल पांच वेदिकाएं हमें प्राप्त होती है उसमें कुछ हिमकाल की भी है वहां से हमें कुछ हिमकाल के भी औजार वगैरह कुछ मिल जाते हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार के औजार मिलते हैं पांच अलग अलग स्तर पर ठीक है ये बात आप याद रखना आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हस्त कुठार संस्कृति यानी कि देखिए पहला हमने देखा निम्न पुरापाषण काल निम्न पुरापाषाण काल के अंदर हमने पहले तो देखा कि चौपर चौपिंग या पैबुल संस्कृति हमने जाना पैबुल क्या होता है ठीक है चौपर चौपिंग क्या होता है ठीक है कैसे कैसे उस संस्कृति में हथियार बनते थे दूसरा मैंने आपको बताया था एश्यूरियन संस्कृति ठीक है एशुलियन संस्कृति के औजार हमने आपको बताया था भारत में मिले हैं चौपर चौपिंग संस्कृति के औजार हमें कहां से मिलते हैं दोस्तों भारत में सोहन घाटी के आसपास वाले क्षेत्र से मिलते हैं पंजाब के पास ठीक है और ये जो एशुलियन संस्कृति है इसके औजार हमें भारत में कहां से मिलेंगे दक्षिण भारत में मद्रास में पलवरम और अतिरम पक्कम नामक स्थानों से हमें मिलने वाले हैं इसी एशुलियन संस्कृति को दोस्तों हम कह देते हैं हस्त कुठार संस्कृति क्योंकि यहाँ से जो औजार मिले हैं वो कुछ कुल्हाड़ी और हस्त कुठार जैसे औजार ज्यादा मिलते हैं आइए बात करते हैं हस्त कुठार संस्कृति एशुलियन संस्कृति, संस्कृति को ही दोस्तों है वहां के नाम पर नाम पड़ा जो है इस प्रकार के औजार बनाया करता था देखिए दोस्तों इस संस्कृति के उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मई 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित फ्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किए थे ये बात मैं दोस्तों आपको बता चुका हूं पहले भी ये जो राबर्ट ब्रूसफुट ने जो बजरी के ढेर से जो एक हथोड़ा हस्त कुठार जो प्राप्त किया था वो इस संस्कृति का था वो इस टाइप से बना हुआ था अभी दिखाऊंगा कैसा था वो तिलकनोमा ठीक है दिखाऊंगा अभी आपको फिर उसके बाद में 1864 में प्रोफेसर डब्ल्यू किंग ने मद्रास के बदम दूरे और अतिरम पक्कम से कई उपकरण प्राप्त किए थे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है दक्षिण भारत की ठीक है सारी जगह यहाँ पर लाना पॉसिबल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट जगह सारी लेके आए हो बाकी बुक साथ साथ पढ़ते जाओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले इस संस्कृति के औजार पलवरम से मिले रॉबर्ट ब्रुसफुट को उसके बाद में 1864 ईस्वी में प्रोफेसर डब्ल्यू किंग ने मद्रास के बदम दूरे और अतिरम पक्कम से कई उपकरण प्राप्त किए थे ये दो महत्वपूर्ण जगह हैं उसके बाद की और इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग भी कहा जाता है और नामकरण दिया किसने मद्रासी संस्कृति वो कृष्णा स्वामी ने दिया देखिए दोस्तों मद्रास से उपकरण मिले हैं तो ऐसा मनाया जाता ऐसा बता, बताया जाता है कि यहां पर जो है फैक्ट्रियां होंगी ठीक है इस प्रकार के औजार यहां पर बहुत ज्यादा मिले हैं तो दोस्तों इस पूरे कल्चर को क्या कह दिया हस्त कुठार भी कह देते हैं एशुली टाइप के हैं, तो एशुली संस्कृति भी कह देते हैं हस्त कुठार मिला इसलिए हस्त कुठार संस्कृति कह देते हैं और मद्रास से मिला इस वजह से मद्रासी संस्कृति या फिर मद्रासी उद्योग भी कह देते हैं भाई इतने सारे औजार है कोई ना कोई उद्योग इंडस्ट्री यहां पर होगी तो मद्रासी उद्योग भी कह देते हैं

जो किससे मिला था जो मिला था रॉबर्ट ब्रूसफुट को इस प्रकार का हस्तुटार था आप इस पर आपको इस पर आघात करने के निशान दिखाई दे रहे हैं ठीक है यहां से जो है पकड़ने की जगह होती है दोस्तों और दोस्तों ये देखिए तीखा हिस्सा है छेद करने के भी काम आता था काटने के काम आता था ठीक है दोस्तों इसके अलावा ये विदारक ठीक है या इसको क्लीवर भी कह देते हैं विदारणी या क्लीवर भी कह देते हैं ठीक है इस प्रकार का होता था तीखा होता था दोस्तों ये कुचरने के काम आता था या फिर कुछ छेद करने के काम आता था इसी प्रकार से दोस्तों खुरचनी, स्क्रैपर इस प्रकार के कुछ औजार होते थे यानी कि हस्त कुठार संस्कृति के अंदर हस्त कुठार देखेंगे हम हैंड इसके अलावा हम देखेंगे विदारक या फिर विदारणी इसके अलावा हम देखेंगे खुरचनी जिसको स्क्रैपर बोलते हैं

हस्तकुठार भी मिला है विदारणी भी मिली है गंडासा यानी चौपर भी मिला है ठीक है इसके अलावा खंडक भी है चोपिंग भी मिला यानी कि पूरी ही निम्न पुरपाषण काल की बात करें जो दो अलग अलग भागों में बांटा पूरी में ही हमको ये दो प्रकार के जो है इस इस प्रकार के जो है दोस्तों हमें क्या क्या मिलते हैं उपकरण मिलते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पैबुल है इस पैबुल को जो है आगे से आघात पहुंचाकर इस प्रकार का बनाया गया ये भी पैबुल है इसके दोनों तरफ आघात पहुंचा के दोस्तों खंडक बनाने का प्रयास किया गया ये भी पैबुल है इन पैबुलों से ही जो है दोस्तों क्या बनते थे इन पैबुल से ही जो है औजार उपकरण बनते थे एक बात याद रखना दोस्तों जो है वो थे? पत्थर से थे। है? इन पत्थरों से बनते थे रूपांतरित चट्टानों से दोस्तों रूपांतरित या फिर चट्टानों से निर्मित पत्थर होता था ठीक है इससे जो है क्या बनते थे इससे ओजार बनते थे और इस काल में मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करता था याद रखो कोर उपकरण कोर उपकरणों का को प्रयोग करता था वही मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो ये पूरा पैबुल है पैबुल में इतना इतना काट के अलग कर दिया हिस्सा तो ये टूट के जो अलग पड़ गया ये तो फलक होता था और ये जो बचा हुआ हिस्सा जो होता था ये होता था कोर जिसका प्रयोग कौन करता था दोस्तों जिसका प्रयोग जो है मानव करता था तो कोर उपकरणों का को प्रयोग होता था ये बात आपको क्या रखनी है याद रखनी है नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल देखिए दोस्तों आपको स्थलों को तो याद रखना ही रखना है समझने वाली चीज आपने समझ ली है स्थलों को आपको याद रखना ही रखना है बिकॉज दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल है उसमें कुछ नाम दे देंगे नौ पाषाणकालीन स्थलों के कुछ नाम दे देंगे मध्य पाषाणकालीन स्थलों के कुछ नाम दे देंगे पूरा पाषाणकालीन स्थलों के ठीक है और स्थलों को आपको छाटना होगा तो जगह आपको याद होनी चाहिए लास्ट में दोस्तों एक मैप भी दिखाऊंगा आपको उस मैप के अंदर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थल आपको दिखाए गए हैं इसके अलावा जब हम मध्यपाषाण काल करेंगे और नौ पाषाण काल करेंगे तो उसके भी अलग अलग मैप आपको दे दूंगा डोंट वरी ठीक है तो देखिए दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कहां कहां से मिले तो ये याद करने वाली चीजें हैं देख लेते हैं एक बार सोहन घाटी पंजाब से पाकिस्तान से जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक है इसके अलावा कश्मीर से भी हमें मिले कश्मीर से लेकर साल तक आपको पता है दोस्तों ठीक है टेरा ने और पीटरसन ने उत्खनन करवाया था इसके अलावा थार का रेगिस्तान राजस्थान में डीडवाणा एवं चित्तौड़गढ़ दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो है इसके बारे में महत्वपूर्ण आपको जानकारी याद रखनी है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के एक साथ साक्ष्य मिलते हैं यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों सोहन संस्कृति ठीक है पाकिस्तान पंजाब वाली और मद्रास संस्कृति दक्षिण वाली यानी कि इन दोनों के ही साक्ष्य राजस्थान में हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश ठीक है दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों निम्न पुरापाषणकालीन स्थल मिलते हैं भीम बेट का भीम बेट का नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है दोस्तों भीम बेट का से भी दोस्तों हमें क्या मिलते हैं हमें दोस्तों भीम बेट का से कुछ जो है शैल चित्र देखने को मिलते हैं जो कि आदि मानव द्वारा बनवाए जा, बनाए जाते थे दोस्तों तो शैल चित्र तो हमें यहाँ से भी जो है पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिल जाते हैं आगे देखेंगे सोहन घाटी के अन्य स्थलों में मलकपुर है चौंतरा है और कलार है और चौमुखा है दोस्तों चौंतरा जो है ये चौथरा हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है और चौंतरा जो है यह उत्तर व दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल भी कहा जाता है इंपोर्टेंट है याद रखना ये सारी जगह दोस्तों पूरा पाषाणकालीन है ठीक है पूरा पाषाण कालीन जगह है सारी की सारी ठीक है उसमें भी निम्न पुरापाषाण कालीन से संबंधित ठीक है राजस्थान में अजमेर व लूनी नदी घाटी से निम्न मध्य और उच्च पुरापाषाण कालीन औजार मिलते हैं ठीक है इस क्षेत्र से भी दोस्तों तीनों ही स्तर के औजार हमें देखने को मिलते हैं और राजस्थान में जोधपुर के निकट है मोगरा पठार यहां से भी जो है निम्न मध्य व उच्च पुरापाषाणकालीन औजार हमें देखने को मिलते हैं याद रखना इस बात को ठीक है अभी जगह है दोस्तों ये आपको याद ही करनी पड़ेगी याद कैसे होगी बार 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 अध्ययन करोगे बार बार याद करोगे रिवाइज रिवाइज करोगे दोस्तों बार बार तो याद हो जाएगी ठीक है इसकी कोई टेक्निक भी नहीं है है ना हमने भी याद किया हमें भी याद करना पड़ता है ठीक है आपको भी करना पड़ेगा ठीक है समझने वाली जो चीज थी वो मैंने समझा दी आपको बुक्स के अंदर लिखा हुआ है बुक्स पढ़ के दोस्तों इजीली समझ में नहीं आती है ठीक है यहाँ पर मैंने सबसे आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है दोस्तों ये जो पीपीटी है ना ये पीपीटी कोई एक किताब से देख के नहीं बनती है किसी भी एक किताब के आधार पर हम पूरा जो है नहीं पढ़ा सकते बिकॉज कुछ किताबों के अंदर कुछ चीजें फैक्ट जो है सही नहीं होते सात से आठ किताबों का अध्ययन किया जाता है उसके बाद में सबसे सरल तरीका जो है दोस्तों याद किया जाता है मेरे द्वारा आपको समझाने का ठीक है तो ये जो नोट्स है तो इस नोट्स को आप राइट डाउन भी कर सकते हैं प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ देता हूँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है सात से आठ किताबों का अध्ययन करता हूँ दोस्तों पूरे बेड पर ऐसे किताबें फैली रहती है उसके बाद में दोस्तों ये बीस बाईस तेईस जितने भी पेज है ये बन पाते हैं ठीक है तो विश्वास करके चलिए आपको इसका फल जरूर मिलेगा और दोस्तों मैंने आपको बताया दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है आपको भी किसी ना किसी पर विश्वास करना होगा भले ही मुझ पर कीजिए या फिर किसी और पे कीजिए है ना बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं दोस्तों किसी पर भी विश्वास कीजिए लेकिन एक पर विश्वास करिए और उसके पथ पर चलिए उसके बाद में सफलता आपको जरूर मिलेगी ये नहीं कहता मेरे ऊपर कीजिए किसी पर भी कीजिए पर विश्वास अटूट रखिए ठीक है और बाकी तो देखिए सब इंसान ही होते हैं गलतियां वगैरह सबसे होती है ठीक है चलिए तो यहां पर है राजस्थान में जोधपुर के निकट एक मोगरा पठार है दोस्तों यहां से भी जो है निम्न मध्य और उच्च

नर्मदा घाटी के हथनोरा मध्य प्रदेश में दोस्तों नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से 1982 एटी में अरुण सोनकिया ने प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा था जो भारत से प्राप्त प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम में आ रखा है देख लेना ठीक है ना ये जीवाश्म खोजा गया था हथनोरा से एग्जाम में पूछा जाता है याद रखना इसके अलावा दक्षिण भारत की कौरतल नदी घाटी तल्यार नदी घाटी पूर्व कालीन सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है हमने देखी दोस्तों एक जगह देखी थी बदम दूरे ठीक है बदम दूरे फिर दूसरी जगह हमने देखी अतिरम पक्कम अतिरम पक्कम ये जो दो जगह हैं दोस्तों ये कोरतल्यार नदी घाटी के आसपास स्थित है जिसका इस कोरतल नदी घाटी का जो पहला महत्वपूर्ण स्थल है वो बदम दूर है और दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है वो अतिरम पक्कम है ठीक है दोस्तों तो ये जो है दक्षिण भारत की कोरतल नदी घाटी पूर्व पाषाणकालीन सामग्रियों के लिए फेमस है काफी जानी जाती है याद रखना आगे देखते हैं तमिलनाडु में दक्षिण भारत की बात करें तो पलवरम है आप सभी को पता है तमिलनाडु से ये हमें मिलते हैं आंध्र प्रदेश की बात करें तो करनूल है गिदलू है करीमपुरी है करीमपुरी या करीमपुरी और नागार्जुन कोंडा जो है दोस्तों यहाँ से हमें निम्नपुरा पाषाणकालीन स्थल मिलते हैं कर्नाटक की बात करें तो इसामपुर और इसामपुर महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ से पूरा पाषाणकालीन स्थल हमें देखने को मिलते हैं चिरकी निवासा निवासा भदने बोरी यसर और मेरगांव ये प्रमुख स्थल है जिसमें बोरी 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 वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों बोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोरी जो है यहाँ से दोस्तों प्राचीनतम मानव के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं आ जाइए बात करते हैं तो बोरी से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि हमको देखने को मिलती है दोस्तों ठीक है यहां से बोरी जो है सबसे महत्वपूर्ण है ठीक है याद रखना आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल के वाकुड़ा पुरुलिया और वीरभूमि और मिदनापुर ये भी दोस्तों कुछ प्रमुख स्थल है निम्न पूरा पुरापाषाणकालीन पुरापाषाणकालीन इसके अलावा उत्तर भारत में गंगा सिंधु मैदानी क्षेत्र व केरल को छोड़कर अधिकांश भागों से निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण हमें मिलते हैं देखिए दोस्तों गंगा और सिंधु का जो क्षेत्र है यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल ही नहीं मिले है ना नगन्य है यानी कि हम कह सकते हैं कि नगन्य है बहुत कम मात्रा में सीमित मात्रा में हमें यहाँ से औजार मिलते हैं ठीक है ये कह सकते हैं इसके अलावा दोस्तों केरल वगैरह में ये जो एरिया यहां पर हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं ठीक है और अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की बात करें तो दोस्तों दक्षिण भारत में पूरा पाषाणकालीन साक्ष्यों के भंडार है बहुत मिले हैं बहुत सारे मिले हैं ठीक है याद रखना चलिए इसके अलावा दोस्तों आगे क्या है आगे है एक मैप देखिए दोस्तों ये मैप भी मैंने ही बनाया है और मैंने ग्रुप में पहले ही शेयर कर दिया था आप सभी को है ना मैंने बनाया है बैठ के थोड़ी मेहनत करी है दिख रही होगी आपको तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पलवरम है यहाँ पर अतिरम पक्कम है ठीक है दोस्तों पलवरम जहां से रॉबर्ट ब्रूस ब्रूसफूट ने ठीक है बार बार याद हो गया होगा आपको ब्रूस ब्रूसफुट ने जो है दोस्तों क्या किया था रॉबर्ट ब्रूस ब्रूसफुट ने यहाँ से जो है हैंडेक्स खोजा था इसके अलावा दोस्तों अतिरम पक्कम है ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण स्थल है मध्य प्रदेश का अंदर भीम का है भीम बेट का मैंने आपको बताया था यहाँ से हमें कुछ शैल चित्र वगैरह मिलते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर कुरनूल और गिदलूर है ठीक है महाराष्ट्र के अंदर क्या है महाराष्ट्र के अंदर चिरकी नेवासा और बोरी है बोरी इंपॉर्टेंट है प्राचीनतम तिथि हमें यहाँ से मिलती है इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर बेलन घाटी है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ से आपको पता है सोहन और संस्कृतियाँ वगैरह ये सारे साक्ष्य हमें मिलते हैं ठीक है इसके अलावा सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी पाकिस्तान से चापर और चौपिंग औजार भी हमें देखने को मिले हैं इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक है ठीक है ये जो कर्नाटक है यहाँ से भी हमको जो है इसामपुर ठीक है इसमपुर और हुंगसी ईसामपुर और हुंगसी हमें देखने को मिलते हैं ठीक है और बिहार वगैरह में और इधर भी आसपास बहुत सी जगह मिलती है चौतरा है यहाँ पर हमको जो है चौंतरा मिल जाता है जो कि उत्तर और दक्षिण का मिलन बिंदु माना जाता है ठीक है ये कुछ महत्वपूर्ण जगह है इस मैप को आप देख लेना ठीक है मैंने तो पूरा प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझाया जाए ठीक है और बाकी देखो आप अगर इसको कितने इतमान से देखते हैं कितने प्यार से देखते हैं ठीक है और मेरा वादा है क्या वादा है सर जी क्या वादा कर रहे हो है ना तो दोस्तों मेरा वादा है कि अगर आप इसको बहुत ही अः इतमान से अगर आप इसको देख रहे हैं और बहुत ही शिद्दत से देख रहे हैं तो ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे समझ में नहीं आया होगा अगर वो हिस्ट्री का होगा तो तो आएगा ही आएगा और हिस्ट्री का नहीं होगा दोस्तों तो भी आएगा बिल्कुल ठीक है मैंने आपको भी बताया पढ़ना पढ़ाना बहुत अलग प्रक्रिया है समझाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है और मेरे हिसाब से मैंने जो है दोस्तों आपको बहुत सरल भाषा में समझाया है आपको समझ में भी आया है दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर भी करना ठीक है शेयर करना चैनल पर आना चैनल के लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना आपका धर्म है ये आपका कर्तव्य है मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ आप भी निभाइए चलिए दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा देखिए निम्न पुरा पाषण काल थोड़ा लंबा हो गया ठीक है अभी उसके बाद में मध्य पुरा पाषणाण काल और उसके बाद में उच्च पुरा पाषाण काल को हम अलग लेक्चर में पढ़ लेंगे उसके बाद में दोस्तों जो है आगे की चीज़ें हम देखेंगे तीन से चार लेक्चर जो है प्रागतिहासिक काल के अंदर होंगे आराम से देखना चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.